दोस्तों नमस्कार, मेरी श्रोत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आज के समय में हर घर में आप देखोगे हर घर में कोई ना कोई बीमार आदमी पड़ा हुआ है। अब ऐसा नहीं कि वो दवाई नहीं खा रहे, वो दवाई तो खा रहे हैं, लेकिन उनको दवाई खाने से जब तक वो दवाई खाते रहते हैं तब तक वो ठीक रहते हैं। जैसी दवाई छोड़ने के बाद 10-15 दिन होते फिर उनको दोबारा से वही प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और मेरा कहने का मतलब है कि फिर उनको बार बार दवाई लेना पड़ता है और लंबे समय तक दवाई लेने से आपको पता है कि लीवर डैमेज हो जाता है, और लीवर डैमेज होने से फिर हार्ट और प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद किडनी में खराब होनी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे बॉडी के ऑर्गन्स बहुत सारे हैं तो धीरे धीरे डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। तो आइए मैं आपको एक पिक्चर के सहारे से समझाने की कोशिश करूँगा कि जो दवाई आप खा रहे हैं कैसे काम करती हैं और कब तक ये काम करते रहेंगे, कब तक दवाई से आपको छुटकारा मिलेगा, राइट? दोस्तों मान लो ये आपका किचन है, ये आपका पूरा घर है, किचन है। इस किचन में यहाँ पे चूल्हा लगा हुआ है, राइट? हर घर में, गांव में देखा होगा आपने, सबके घर में चूल्हा होता है और चूल्हे में रोटी बनती है, जहाँ खूब धुआं भी आता है और खाना बहुत अच्छा बनता है उस पर बिल्कुल। तो ये आपका चूल्हा है और ये आपका किचन है। किचन में ऑलरेडी आपने देखा होगा गांव में जो किचन होता है या फिर शहर में भी कोई किचन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं विंडो ऑलरेडी उसमें लगी रहती है। अब इस किचन में खाना बनेगा तो यहाँ पे धुआं होगा, धुआं होगा तो क्या होगा, यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऐसे ही होता है, हल्का फुल्का जो धुआं निकलता है कमरे के अंदर, किचन में जो धुआं निकलता है वो यहाँ से सारा का सारा एग्जॉस्ट हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन के बाद क्या होता है, यहाँ धीरे धीरे हल्का फुल्का यहाँ पे ब्लॉकेज आने शुरू हो जाती है, राइट? ऐसा होता है और धुआं प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाता है। अब धुआं मान के चलो कि आपने यहाँ पे कुछ खाना बनाया है या आप कुछ फ्राई कर रहे हैं या आप चूल्हे में लकड़ी जला रहे हैं तो आपके कमरे में हमेशा धुआं धुआं सा रहेगा, ऐसा ऐसा धुआं धुआं सा रहेगा। और आपने देखा होगा धुआं जब ज़्यादा रहता तो घुटन सी महसूस होती है, राइट? अब जब आपके रूम में बहुत ज़्यादा धुआं हो जाएगा, इससे भी बाईपास नहीं हो पाएगा, तो आप लोग क्या करते हैं, राइट? थोड़ा सोचिए क्या कर सकते हैं, कोई उपाय है? जी हाँ, एक उपाय है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं, यहाँ पे एक एरिया ओपन किया और यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन लगा दिया। अब जब भी ये धुआं होता है हम इस एग्जॉस्ट फैन से इसको बाहर कर देते हैं, यानी एग्जॉस्ट फैन को चलाने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए, और इस पावर को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, राइट? क्योंकि ये बिजली से चलेगा और बिजली का बिल आएगा तो यहाँ आपका पैसा खर्च होगा। अब ये एग्जॉस्ट फैन क्या करेगा, जब धुआं होगा आपके कमरे में, आप धुएं से इसको एग्जॉस्ट फैन लगा के इसको ऑन करके बाहर कर दोगे। अब जैसे ही यहाँ आग जली, यहाँ धुआं हुआ, आपने एग्जॉस्ट फैन लगा दिया, बाहर चला गया। अब एग्जॉस्ट फैन कब तक धुएं को बाहर करेगा, जब तक आपके रूम में धुआं होगा और जब तक ये ऑन होगा तब तक ये बाहर करेगा, जैसे ही ऑफ हो जाएगा धुआं फिर अंदर रह जाएगा। अब खाना बनाने का तो एक तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, खाना तो हमेशा लाइफ टाइम बनेगा ही बनेगा। अब करे तो करे क्या, उपाय क्या है, कोई उपाय नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। अब मैं इस पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। मान लो ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, हमारे पास भी एग्जॉस्ट है, यूरिन करने के लिए और मल और स्टूल पास करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास भी एग्जॉस्ट है, राइट? अब हुआ क्या, यहाँ से हम लोग खाना खाते हैं, मान लो हमने खाना खाया, फूड स्टाइल तो आजकल का सब चेंज हो चुका है, अधिकतर लोग सारे के सारे केमिकल ही खाते हैं। और जो लोग कहते हैं कि हम नेचुरल खाते हैं, आप देखोगे नेचुरल चीज़ें मार्केट में नहीं आते, साफ सब्जी से लेकर सब जगह पेस्टिसाइड केमिकल्स पता नहीं क्या क्या यूज़ होता है, कहीं ना कहीं मैक्सिमम केमिकल्स हम खाते रहते हैं। अब जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो यहाँ भी बहुत सारे गैस बन जाती है, और जब हमारे पास गैस बन जाती है हमारी बॉडी में, यहाँ से पास नहीं हो रही, यहाँ से पास नहीं हो रही, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की बॉडी में भी एक एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है, यदि हम एक गैस की गोली खा लेते हैं। मेरा मकसद सिर्फ समझाना है कि आपको समझ में आना चाहिए बस। अब इस गैस की गोली हम खाते हैं, और जब हम गैस की गोली को खाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो बनी हुई गैस है, अब बॉडी में अगर बनी हुई गैस अगर पास नहीं हुई तो क्या होगा, दर्द होगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, तो दर्द होगा कहीं ना कहीं। अब हमने क्या किया, डेली गोली खाई और यहाँ से पास किया। अब ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारी बॉडी में गैस बनती रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। अब एक्चुअल में क्या है कि धुआं अगर आप आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा, आपके रूम में बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, आप एग्जॉस्ट फैन चला रहे धुआं बाहर जा रहा है, तो आपको ठीक कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ ठीक करना पड़ेगा या यहाँ ठीक करना पड़ेगा? डेफिनेटली आप लोगों का जवाब होगा कि आपको यहाँ ठीक करना पड़ेगा। आपको लकड़ी भी चेक करनी पड़ेगी और किस चीज़ को आपकी जली हुई है, कच्ची हैं, सूखी हैं, किस चीज़ से धुआं कम आता है, किस चीज़ से ज़्यादा धुआं होता है, वो सारे के सारे आप लोग चेक करेंगे। आप उसको यहाँ ठीक करने की कोशिश करोगे, जब यहाँ ठीक हो जाएगा तो थोड़ा बहुत रहेगा तो यहाँ से ऑलरेडी एग्जॉस्ट है, पहले से यहीं से वो धुआं बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप केमिकल ना खाएं, नेचुरल चीज़ खाएं, अब अपने फूड स्टाइल को थोड़ी सी चेंज करें और नेचुरल चीज़ खाएंगे तो नेचुरल चीज़ क्या करती हैं, वो सारी की सारी जड़ पे काम करती हैं, राइट? जड़ पे काम करेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ गैस ऑलरेडी कम बनेगी, जब गैस ऑलरेडी कम बनेगी तो आपको यहाँ गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, जब लगातार गोली खाने से क्या होगा, हम लगातार गोली खाते रहेंगे तो लीवर ऑलरेडी डैमेज रहेगा, क्योंकि बॉडी का ऐसा कोई भी
केमिकल या न्यूट्रिशन ऐसा नहीं जो लीवर को पास करते हुए नहीं जाता है, सारे के सारे लीवर में जाते हैं। तो लीवर पहले डैमेज होता है, उसके बाद वो काम करना शुरू करता है। अगर लीवर डैमेज रहेगा तो वो भी काम नहीं कर पाएगा। और दूसरा, जब लीवर डैमेज होगा तो केमिकल्स को फिल्टर नहीं कर पाएगा, तो सारे के सारे केमिकल्स डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएंगे, किडनी में। अब डायरेक्ट यहाँ किडनी में पहुंच जाएंगे तो लीवर काम करना बंद कर दिया, लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो सारे के सारे केमिकल किडनी में पहुंच जाएंगे और किडनी धीरे 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 किडनी ब्लॉक होनी शुरू हो जाएगी और एक दिन किडनी सिकुड़ जाएगी, फिर हम लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं, फिर एक और बीमारी शुरू हो जाएगी, राइट। तो मेरा कहने का मतलब, अगर हम यहाँ ठीक कर दें तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। जब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी गैस की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फूड स्टाइल को चेंज कर दो, यहाँ गैस नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगी तो आपको गैस की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब गैस की गोली नहीं खाएंगे तो आपका लीवर एकदम एजेक्टिव रहेगा, नेचुरल चीज़ खाओगे तो और भी सही हो जाएगा। और जब लीवर सही रहेगा तो ब्लड साफ रहेगा, ब्लड साफ रहेगा तो आपकी किडनी में कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं होगा, राइट। अब दोस्तों, बीमारी हमें हो गई और हम दवाई खा रहे हैं, आपने देखा होगा लोग दवाई खाते हैं, 10-15 दिन दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे, 10-15 दिन दवाई छोड़ देंगे फिर उसके बाद दोबारा से बीमार हो जाएंगे, सेम प्रोसेस यही है। अब आपको ये ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सारी की सारी नेचुरल चीज़ लेनी पड़ेगी। अब जब आप नेचुरल चीज़ लोगे, यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जब आयुर्वेदिक चीज़ें ले, आपको मेडिसिन तो ले ही रहे हो, जब आप इसको आयुर्वेदिक चीज़ें लेनी शुरू करेंगे तो आयुर्वेदिक चीज़ें दो काम करती हैं, एक तो इस गैस को पास करेगी, दूसरा इसको ठीक करेगी, यानी वो जड़ पर जाके काम करती है। जब ये रूट्स पर जाके काम होगा तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी गैस कम बनेगी, जब गैस कम बनेगी तो इसकी जरूरत ही नहीं, हल्का फुल्का तो यहीं से एग्जॉस्ट हो जाता है, राइट। तो हमें क्या करना है, आयुर्वेदिक प्योर आयुर्वेदिक चीज अगर आप लेते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन आपको लंबे समय तक के लिए ठीक करेगा। और जब आपने देखा होगा यहाँ बटन हैंड करोगे तुरंत हवा निकल जाएगी, यानी आप तुरंत ठीक हो जाओगे, लेकिन आपको हमेशा खाते रहना पड़ेगा और साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। अब नेचुरल चीज़ खाओगे तो पहले यहाँ जाएगा, फिर इसको ठीक करेगा, फिर नॉर्मल रहेगा, फिर यहाँ से धीरे धीरे एग्जॉस्ट पॉइंट जो हमारी बॉडी के इनको भी रिपेयर करना शुरू कर देती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप को इस टाइप की अगर कोई भी प्रॉब्लम है जहाँ आप 10-15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल 2 साल लंबे समय से मेडिसिन खा रहे हैं और उसके बाद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो एक काम करिए, अपनी मेडिसिन को आप शिफ्ट करें आयुर्वेदिक चीज़ों में। आयुर्वेदिक चीज़ों में क्या होगा, अगर मान लो आपकी गैस बन भी कंटिन्यूस, जो गैस बन रही है ये बंद नहीं हुई लेकिन एग्जॉस्ट भी हो रही है, तो एटलीस्ट आपको यहाँ लीवर में नुकसान नहीं होगा, आपको किडनी में नुकसान नहीं होगा। जब आपका लीवर में नुकसान नहीं होगा, किडनी में नुकसान नहीं होगा, तो आपकी बॉडी में कहीं पर कोई नुकसान ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ आपको नेचुरल चीज़ें लेनी है, और जब आप नेचुरल चीज़ें लेंगे तो आपकी बॉडी में गैस नहीं बनेगी, जब आपकी बॉडी में गैस नहीं बनेगी तो आपकी बॉडी हो जाएगी रिपेयर हो जाएगी, आपकी बॉडी रिपेयर हो जाएगी और पूरी की पूरी रिकवर हो जाएगी, और जो आने वाले भविष्य में जो भयंकर सारी बीमारी हैं उनसे आप पूरे बाहर आ जाओगे। तो आप नेचुरल चीज़ें खा रहे हो तो आपको एग्जॉस्ट फैन की जरूरत नहीं है, ये भी हट जाएगा सारा का सारा, जो आपको पावर चाहिए था, पैसा चाहिए था उसको लेने के लिए, वो सारे के सारी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी नेचुरल ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले ने सारी चीज़ें सोच समझ के बनाई हुई है, पहले से ही पूरा प्लान करके भेजा हुआ है। तो हमें कहाँ काम करना है, हमेशा रूट्स पे जाके काम करना है। अगर रूट्स आप ठीक कर दोगे तो आपका यहाँ एंड पॉइंट जो है ऑटोमेटिक ही बॉडी आपकी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के सारे से आपको समझाने की कोशिश करी थी, और मुझे ये मालूम है कि आज हर घर में कोई ना कोई परेशान है, कहीं ना कहीं से लंबे समय से लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, जब तक दवाइयों का इफेक्ट रहता है तब तक वो ठीक रहते हैं, दवाई का इफेक्ट खत्म तो उसके बाद से प्रॉब्लम को उनकी प्रॉब्लम जो है फिर से दोबारा से आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश रावत और मेरा नंबर है 9910761444, और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। और जिसने भी एक वीडियो आपको भेजी है, जिसके थ्रू ही वीडियो आपको मिली है, उनको आयुर्वेदिक चीज़ों की बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज है, और आप सबसे पहले उनसे कंसल्ट करें, और अगर उनके द्वारा अगर आपको सेटिस्फाई नहीं है तो उनका रेफरेंस आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और मेरा नाम है हरीश रावत। सो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सभी लोगों से कि आयुर्वेदिक चीज़ें लेना शुरू करें, और आयुर्वेदिक चीज़ें जब लेंगे तो आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैं पिछले 7-8 साल से आयुर्वेदिक फील्ड में काम कर रहा हूँ, और मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोग अपने जो क्रॉनिक प्रॉब्लम बोलो या फिर जो भी प्रॉब्लम बोलो उससे आज के समय में बाहर हैं, और स्पेशली गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये थायराइड, ये बीपी की गोली, ये बहुत सारी चीज़ें जो खा रही हैं कहीं ना कहीं किडनी को डैमेज करती हैं, और लॉन्गर टाइम तक अगर आप यूज़ करते रहोगे तो किडनी डैमेज होगी, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, फिर बच्चा के आदमी के पास कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ का नेचुरली सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है, ऊपर वाले ने सारी की सारी चीज़ें इंसान के साथ साथ पहले ही धरती पर भेजी हुई है। सो दोस्तों, अगर आपके पास सारी की सारी आयुर्वेदिक और नेचुरल चीज़ें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो आप उनको यूज़ करना शुरू करें, उनको कंज्यूम करना शुरू करें, और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद रिकवर नहीं हो पा रहे हैं तो एक बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश ज़रूर करें। हमारे पास प्योर आयुर्वेदिक और नेचुरल चीज़ें अवेलेबल हैं, जिनको कि हम
हज़ारों लोगों को दे चुके हैं, हमारे पास 100% रिजल्ट्स देने वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। मतलब आप ये मान के चले कि मुश्किल से 1,000-1,500-2,000 रुपये में अधिक से अधिक चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो जाती हैं, चाहे कितनी ही बड़ी पुरानी समस्या क्यों ना हो। तो आप कॉल कर सकते हैं, ये मेरा नंबर अवेलेबल है और मैं फिर से ये कहूँगा कि नेचुरल चीज़ों पर ही फोकस करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।